देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अलीगढ़ में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली के निजामुद्दीन से वापस अपने घर मिर्जा चांदपुर गांव लौटा था। इसके बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को उस शख्स के बारे में सूचना दी। तुरंत उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। गुरुवार को आई शख्स की पहली रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इसके बाद जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमित शख्स के परिवार के 4 सदस्यों समेत 16 लोगों को छेरत स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में रखा है। वहीं जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए दीनदयाल अस्पताल को पूरी तरह से कोरोना पेशेंट के लिए बना दिया गया है, जिसके चलते दीनदयाल अस्पताल की ओपीडी और इमरजेंसी को बंद कर दिया है। साथ ही मरीजों को छुट्टी देकर उनके घर भेज दिया है। इतना ही नहीं, अस्पताल में मौजूद पूरे स्टाफ पर भी पाबंदी लगा दी है। तो उन्हें कोई परेशानी थी घर पे आने पे? कुछ भी नहीं थी। कुछ भी परेशानी नहीं? वो एक माह पर पंचायत घर पर चेकिंग हो गई और लोगों ने कुछ भरवा दिया होगा, तो भाग गए। अच्छा, तो तुम्हारे पति जो हैं, क्या भाई हैं? दो? चार भाई हैं। क्या नाम है? तो सबसे बड़े का राहत शहादत, तो सोहेब अंश अनस। अच्छा अच्छा, सुसर हैं तुम्हारे? क्या नाम है? अच्छा, और सास है? सास नहीं, वो यहाँ नहीं रहती। अच्छा, कल से आपको लाए या कुछ खाने पीने की कोई प्रॉब्लम किसी चीज? नहीं, अकेले तो खैर आप नहीं हो। अभी तो ये गांव में ऐसे घूमते रहे, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे फादर इन लॉ है। अच्छा, तो यहीं पर भर्ती थे? हाँ, यहीं पर भर्ती थे। कहाँ? दीनदयाल में? दीनदयाल हॉस्पिटल। तो यहाँ से शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, इस वजह से सारा हॉस्पिटल बंद किया जा रहा है। खाली करा दिया? हाँ। अच्छा, आपकी क्या जॉब है यहाँ पर? मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। पूरा हॉस्पिटल को हैंडल कर दिया? हॉस्पिटल बंद कर दिया, सिर्फ जहाँ पेशेंट एडमिट है पॉजिटिव पेशेंट उसकी दवाई खुला हुआ है। थैंक यू। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन कोरोना की दहशत के चलते कोई भी लापरवाही बरतना नहीं चाहता है। इसके चलते दीनदयाल अस्पताल में अब सिर्फ कोरोना वायरस के लिए गठित टीम को ही तैनात किया गया है। अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट।